नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। कांग्रेस आगामी चुनाव को लेकर हुई सक्रिय। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत छोटे से छोटे गांव तक पहुंचने की तैयारी में जुटी, जिसके चलते आज रीवा के शहर और जिला कांग्रेस कमेटी सहित तमाम पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। रीवा जिले के महापौर सहित तमाम कांग्रेसी राहुल गांधी की पद यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को गति देने के लिए एकत्र हुए। रीवा के सेलिब्रेशन होटल में संगठन मंत्री प्रताप भानु शर्मा, पूर्व सांसद की मौजूदगी में कांग्रेस का लक्ष्य 8 विधानसभा के साथ लोकसभा भी जीतना। हमारी टीम ने नव नियुक्त जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष से बात की। जावेद अंसारी, नव नियुक्त जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के दोनों पदाधिकारी, जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। कांग्रेस का ये अभियान लगातार सड़कों में दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी, इनके बड़े नेता की पद यात्रा खत्म हो रही है, आगे क्या? देखिए, राहुल गांधी जी एक संदेश को लेकर ये यात्रा कर रहे थे। वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा उन्होंने की। यह यात्रा का एक ही उद्देश्य था। वो देख रहे थे कि पूरे देश को बांटने का षड्यंत्र चल रहा है, पूरे देश में नफरत फैलाने का षड्यंत्र चल रहा है, घृणा का संदेश चल रहा है। हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में था, हमारे उस संविधान को खतरा पैदा हो गया था जिसने हमारे देश में हमेशा एकता, भाईचारा और कानून और लोकतंत्र की रक्षा की। वो संविधान खतरे में था, इसलिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा आरंभ की और वो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने देश में निकाली पूरी। अब एक मिनट, हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल जी का संदेश था, वो अब हम हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के जरिए अब हम उसको ग्रॉस रूट तक ले जाएंगे, पोलिंग बूथ तक ले जाएंगे, घर घर में ले जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हमारे राहुल जी की यात्रा का क्या उद्देश्य था और देश में संविधान की रक्षा क्यों आवश्यक है। हम उनका जन जागरण करेंगे कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में व्याप्त इतनी सारी समस्याएं हैं, पर हमारे देश का संसद उसमें बहस करना नहीं चाहती, संसद उस पर बात ही नहीं करना चाहती। लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, जो हमारी निर्वाचित सरकारें हैं उनको धन के जोर पे और दबाव के जोर पे, ताकत के जोर पे, ईडी के जोर पे, हमारे सीबीआई के जोर पे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग करके गिराया जा रहा है। इन सबके खिलाफ हम लोग जन जागरण अभियान चलाएंगे। जन जागरण अभियान तो आप चलाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि आप लोग की कोई सुनता ही नहीं है। देखिए, विजय के साथ मैं बात कर रहा हूँ। 1962 में चाइना के साथ भारत की लड़ाई हुई थी, उस समय भी संसद चली थी, सरकार ने संसद में जवाब दिया था, लड़ाई क्यों हुई। पिछले दिनों से लगातार सारे मुद्दों पे आपके बड़े नेता कहते हैं कि माइक बंद हो जाता है। माइक अगर बंद होगा तो कैसे काम चलेगा? माइक बंद हो रहा है इसीलिए तो जा रहे हैं सीधे जनता के पास। पहले एक तरीका होता था कि जब माइक चालू रहता था संसद का और मीडिया का, तो उसके जरिए जन जन तक खबर पहुंच जाती थी। आज संसद चलती नहीं, मीडिया लिखना नहीं चाहता, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको दबाव में लिए हुए हैं। हमारे जो ये प्रजातंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसकी भी ताकत खतरे में। ऐसी स्थिति में हमने तय किया कि अब हम जनता के पास सीधे चले जाएंगे, बताने लगेंगे इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी है, इतने कार्यकर्ता है, हम लोग चाहे तो मतलब ये माना जाए कि अब आपकी टीम इस समय, जैसे कि पिछले काफी अरसे से कांग्रेस लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है, ये सक्रियता दिनों दिन बढ़ेगी? हाँ, ये सक्रियता बढ़ेगी। हमको 2023 हमारा लक्ष्य है, 2024 हमारे लोकसभा हमारा लक्ष्य, लोकसभा लक्ष्य है, विधानसभा लक्ष्य है। शहर अध्यक्ष जी, पिछले शहर अध्यक्ष भी काफी सक्रिय थे, आप काफी बेहतर तरीके से रीवा शहर का भूगोल जानते हैं, किस तरीके से कांग्रेस को घर घर तक ले जाएंगे? जैसे आपने कहा, पूर्व शहर अध्यक्ष हमारे काफी सक्रिय थे, बहुत अच्छी टीम उन्होंने बनाया है, जमीन अच्छी तैयार किया है, उसका परिणाम सामने है। महापौर का चुनाव हम लोगों ने जीता और निश्चित रूप से जो कमियां होंगी उसको हम लोग पूरा करेंगे। आदरणीय प्रताप भानु जी हमारे साथ दिन भर लगे हुए हैं, राज शर्मा का भी हमें सहयोग मिला हुआ है, हमारे साथ शहर के लिए एक संगठन मंत्री सज्जन पटेल जी को भी दिया गया है। हम सब लोग मिल के
और सबसे बड़ी हमारा बहुत आसान क्षेत्र कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास महापौर है, हमारे पास पार्षद है और शहरी क्षेत्र है हमारा छोटा सा क्षेत्र। और मैं लगातार जैसे कि आपको मालूम है मैं हर बार लगातार यहाँ पार्षद भी रहा, हमारे सिर्फ वो साथी संगति जो पुराने नए सारे पार्षद है पूर्व पार्षद है सबको इकट्ठा करूंगा और देखिएगा एक बहुत अच्छा माहौल तैयार करूंगा। और निश्चित रूप से जो माहौल तैयार होगा मुख्यालय मेरा है और इस मुख्यालय से वो माहौल को तैयार करके और पूरे आठों विधानसभा में ये माहौल जाएगा, आठों विधानसभा जीत लूंगा मेरा अनुभव है। मैं आठ बार का मेरे परिवार का कोई ना कोई सदस्य जब से महापौरी का चुनाव हो रहा पार्षदी का कोई ना कोई सदस्य, अब देखना दिलचस्प होगा नई जिला और शहर कांग्रेस कमेटी किस तरीके से काम करती है। अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।